अभी तक मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। प्रदेश के गेस्ट टीचर्स ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। रविवार को गेस्ट टीचर करनाल में प्रदेश स्तरीय रैली और महिला गेस्ट टीचर्स ने सामूहिक मुंडन का ऐलान किया है। गेस्ट टीचर ने बीजेपी सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे। पहली कलम से जो टीचर्स हैं उन्हें नियमित करने की बात भी कही थी, लेकिन अभी तक वो अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाए हैं, धरातल पर नहीं उतर पाए हैं और इसी के साथ अब उन्होंने मुंडन कराने की बात कही है। सामूहिक मुंडन महिला गेस्ट टीचर्स की ओर से कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। गेस्ट टीचर्स करनाल में प्रदर्शन करेंगे, रैली निकालेंगे और महिला गेस्ट टीचर्स मुंडन कराएंगी। उनका कहना है कि अभी तक सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। नियमित कराने की मांग उनकी ओर से लगातार की जा रही थी। इससे पहले भी जो उनका प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। जब शिक्षा मंत्री की ओर से सरकार की ओर से कुछ वक्त मांगा गया, कुछ समय मांगा गया, लेकिन उसके बावजूद भी समय देने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। 15 दिन का समय सरकार की ओर से मांगा गया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने 1 महीने का समय दिया, उसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जिसके बाद अब वो फिर प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। महिला गेस्ट टीचर्स मुंडन कराएंगे और उनका कहना है कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि खून से ये जो महिला गेस्ट टीचर्स हैं इन्होंने पत्र लिखकर भी सौंपा है और इनका कहना है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के साथ केसीआरए संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केसीआरए, जिस तरीके से अब आर पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना है गेस्ट टीचर्स का? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला जो है ना सालों से लटका पड़ा है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर है लगभग 15,000 हरियाणा प्रदेश भर में जो गेस्ट टीचर है वो स्कूलों में काम कर रहे हैं। कभी जो है ना नौकरी से हटाने की तलवार लटका दी जाती है और उसी को लेकर जो है ना ये कच्चे से पक्के की इनकी मांग है मुखिया के, वो सरकार उनको नियमित करे और उनको जो है ना समान काम समान वेतन के जो है ना तनख्वाह दे। तो इसी को लेकर जो है ना इन्होंने कई बार प्रोटेस्ट भी किया सीएम सिटी में। आज फिर जो है ना प्रदेश भर के जो है ना 12 बजे 1 बजे सभी गेस्ट टीचर यहाँ जुटेंगे और इन्होंने जो ऐलान किया हुआ है वो सामूहिक मुंडन भी करवाएंगे और उस मुंडन को लेकर यहाँ पर जुटे हैं। और इसी को लेकर सरकार की जो वादा खिलाफी के खिलाफ जो है ना आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ पर हुड्डा पार्क में जो है ना सैकड़ों टीचर और महिलाएं अपना मुंडन यहाँ पर कराएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से वादा खिलाफी का आरोप लगातार लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर और आज सामूहिक मुंडन की भी बात कही गई है, सामूहिक मुंडन महिलाएं कराएंगी, क्या अभी तक इनकी कोई सुध ली गई है? हाँ देखिए बिल्कुल, महिलाओं ने भी अपना ऐलान किया था, आप जो पिछली मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो सामूहिक मुंडन कराएंगे जिसमें जो पुरुष भी कराएंगे और महिलाएं भी कराएंगे। उन्होंने कहा कि वो विरोध दर्ज कराएंगे मुंडन कराकर, कहीं ना कहीं सरकार की जो है ना नींद खुले और उनकी जो है ना रोजी रोटी है, उनकी जो नौकरी है वो पक्का करे, इसी को लेकर उनकी जद्दोजहद चल रही है और अपनी नौकरी को पक्का करवाने की मांग को लेकर जो है ना ये मुंडन करवाया जा रहा है जी। लेकिन अभी तक सरकार की नींद क्यों नहीं खुल पाए, क्योंकि जिस तरीके से गेस्ट टीचर्स का कहना है कि पहले वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे समय मांगा गया, समय दिया भी गया, उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है जो इनको पहले लगाया गया और ये कहीं के जो है 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है नौकरी जाने की, कच्ची नौकरी कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए और उनके जो है ना रोजगार की तरफ ध्यान दिया जाए। तो नियमित करने की मांग लगातार गेस्ट टीचर्स की ओर से की जा रही है। केसीआरए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब इनका धरना प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है और आज सामूहिक मुंडन कराने की बात उनकी ओर से कही गई है, क्योंकि सरकार अभी तक कोई भी सुध उनकी नहीं ले पा रही है। इसी के साथ गेस्ट टीचर हमारे साथ नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत जी। तो आप गेस्ट टीचर्स काफी समय से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आर पार की लड़ाई भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए मैडम जी, हमारी प्रमुख मांग है कि हमें समय रहते सरकार नियमित करे, जो कि सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व 2014 में अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था जंतर मंतर पर दिल्ली पे कि हमारी सरकार आते ही हम आपको एक कलम से नियमित करेंगे और आपका जो एरियर बनता है वो भी पूरा देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब बीजेपी सरकार को लगभग 4 साल हो चुके हैं हरियाणा में बने हुए और हमारी कई दौर की बातचीत सरकार से हो चुकी है। हमारे इस दौरान
हमारा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर आंदोलन चला, महेंद्रगढ़ में आंदोलन चला, करनाल के अंदर लाठी चार्ज हुई, हमारे साथी जेल गए, और भी जो हमारे साथी कई बार जो 3,581 गैस टीचरों को हटाया गया सरप्लस करके, उसके बाद जेबीटी 1200 को हटाया गया, फिर उनको दबाव करके उनको बाहर अंदर किया जाता है, चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा है। तो मैडम ये बार बार सरकार जो अच्छी हरकतें कर रही है, हम चाहते हैं सरकार इससे बाज आए, क्योंकि देखिए हम अध्यापक हैं, पढ़े लिखे हैं और पूरी क्वालिफाई योग्यता पूरी करते हैं हम लोग, जो क्राइटेरिया सरकार रखती है एक टीचर लगने के लिए वो सब पूरा करते हैं। ये सब होने हमारी तीन चार बार हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और सब कुछ हो चुके हैं, और हमारे बहुत से साथी जो है 40 की जो आयु है, जो 42 साल की आयु है वो क्रॉस कर चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी के लायक हो चुके हैं, आज वो मानसिक परेशानियों से घिरे हुए हैं कि अगर आज सरकार ने हमें घर बिठा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसी कारण हमारी जो महिलाएं, हमारी जो अध्यापिका हैं, उन्होंने एक बड़ा निर्णय आगे आकर लिया है, क्योंकि अब पिछले 1 नवंबर से हमारा आंदोलन चल रहा था, इस दौरान सरकार ने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा, हमने उनको 1 महीने का टाइम दिया, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, अपनी मांगों को लेकर आप अड़े हुए हैं कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी मांगे जो है वो पूरी की जाए। आप बने रहिए, आपसे और भी जो है आपकी चीजें हैं, जो आपकी मांगे हैं वो जानेंगे। इसी के साथ संजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। जी नमस्कार। तो आपने सुना कि गेस्ट टीचर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कई मांगे हैं, नियमित करने की सबसे प्रमुख उनकी जो मांग है, और आज वो सामूहिक मुंडन करने की भी बात जो है वो कर रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए इस तरह का रास्ता इनको नहीं अपनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा, चाहे कोई कच्चा कर्मचारी है, चाहे पक्का कर्मचारी है, चाहे गेस्ट टीचर है, हमेशा उनकी मांगों की और सहानुभूति पूर्व विचार रखा है, और अभी भी जो वायदा सरकार ने किया है उसको सरकार अवश्य ही निभाएगी। लेकिन संजय शर्मा जी, वादा खिलाफी का ही आरोप ये गेस्ट टीचर्स लगा रहे हैं, उनका कहना है कि पहली कलम से नियमित करने की मांग उनकी ओर से की गई थी और सरकार ने वादा किया था कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? बहुत सी टेक्निकल दिक्कतें इन सारे प्रक्रिया में आ रही हैं, जिसके कारण से ये देरी हो रही है इनके लड़ने में, क्योंकि कुछ कोर्ट में मसले रखे हुए हैं, कुछ वैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके कारण ही ये देरी हो रही है। सरकार ने जो वायदा किया है सरकार उसके खिलाफ नहीं जाएगी, और इनकी जो मांगे हैं उसको सहानुभूति में विचार करके इनका जो जो मांग पत्र सरकार को मिला है उसके आधार पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी और इनके हितों का ध्यान। चलिए आप बने रहिए, कोई तरह का कदम नहीं उठाना, आपसे और भी सवाल पूछेंगे। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। थैंक यू जी। तो केवल ढींगरा साहब, आपने सुना कि किस तरीके से ये जो गेस्ट टीचर्स हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर नियमित करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है, वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है, पहला कमेंट आपका। देखिए ये कह रहे थे अपने मैनिफेस्टो में कि हम आते ही पहली कलम से पक्का कर देंगे, आज इनकी पहली कलम कहाँ गई? 4 साल होने को जा रहे, 3.5 साल हो चुके, अब इनकी पहली कलम दिख नहीं रही कहीं भी, और ये कह रहे हैं उसके अंदर टेक्निकल दिक्कत है, उसके अंदर रिस्क है, तो आपने वायदा क्यों किया था? अगर आप की मांग पूरी नहीं कर सकते और झूठे वायदे आप करते हैं तो ये जुमला होता है, और आपने जुमले छोड़ने में पूरी जो है 3.5 साल यहाँ लगा दिए और मोदी जी ने सेंटर में लगा दिए, तो इस तरह से काम नहीं होता है। आज गैस टीचर जो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, आपने उनके लिए वादा किया था तो उनको आपको उनका वायदा पूरा करना। बिल्कुल ढींगरा साहब, बीजेपी ने वादा किया था पहली कलम से नियमित करने की बात भी कही थी, लेकिन आपकी सरकार ने उस समय जब आपकी सरकार थी 7 साल पहले, 7 साल के वक्त में, तब आपने इन्हें नियमित क्यों नहीं किया? देखिए उस समय पोजिशन डिफरेंट थी, उस समय लगाने की बात थी, रोजगार मिल नहीं पा रहा था, हम लोगों ने 1.5 लाख नियमित रोजगार दिए, और उसके साथ जो लोग जहां जहां कोई जॉब खाली थी उनको हमने गेस्ट टीचर या दूसरे टीचर या नियुक्ति देने का काम किया, हमने कोई निकाला नहीं टीचर, हमने कोई बेरोजगारी नहीं फैलाई। इस सरकार ने आज तक 3.5 साल के अंदर करीबन 7,500 नौकरी दी है, हमने 1.5 लाख नौकरी दी थी, तो आप कंपैरिजन करें, और गेस्ट जो कंट्रेक्चुअल लगे हैं वो अलग जी। ढींगरा साहब बने रहिए आप भी हमारे साथ। इसी के साथ परविंदर सिंह इनेलो नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक में। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो परविंदर सिंह साहब, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो
ये गेस्ट टीचर्स हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं, आज सामूहिक मुंडन इनकी ओर से कराया जाएगा, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? इसमें जो सबसे बड़े दोषी हैं, पहले तो कांग्रेस पार्टी दोषी है जिन्होंने बहला फुसला करके इनको नौकरी दी और अपने समय को एक इस्तेमाल किया राजनीतिक रूप से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव का समय था तो इनके शीर्ष नेता गेस्ट टीचरों के आंदोलन धरने के ऊपर जाकर के समर्थन दे के आए थे, जिम्मेवारी इनकी बनती है। ढींगरा साहब क्या कहेंगे, क्या आपने बहला फुसला कर इस्तेमाल किया है गेस्ट टीचर्स का, परविंदर सिंह साहब कह रहे हैं? देखिए इन ये लोग ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टीचर्स के मामले में ही 10-10 साल की जेल में बैठे हैं, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, ये क्या बोलेंगे? अरे ढींगरा जी, हमने तो नौकरी दी है तो जेल में गए, आपने तो नौकरी दे के सड़कों पर उड़ा दिया इनको, सड़कों पर पिसने को। हमने नौकरी दी और हम जेल में नहीं है, आप लोगों ने नौकरी के बीच में धांधलेबाजी की, 3206 टीचरों की लिस्ट चेंज करने का आरोप है आपके ऊपर, उस चक्कर में जेल में गए हैं, और वो 3206 टीचर जो ऑलरेडी लगे हुए थे उनकी नौकरी लेने का काम किया आप लोगों ने। नरेंद्र सिंह जी आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी दोषी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने लगातार इनको इस्तेमाल किया, कहा यह गया था कि भाई आपको हम गेस्ट टीचर लगाए थे, पक्के करेंगे धीरे धीरे, लेकिन समय बीत गया, इनके 7 साल बीतने वाले में कुछ नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको वचन दिए थे, जा जाकर इनके बड़े बड़े नेता गए धरनों के ऊपर, सरकार बनते ही आपको पक्का करेंगे, और कांग्रेस के द्वारा जो ये टीचर और अनेकों ऐसे कर्मचारी थे जिनके खिलवाड़ किया है, और भारतीय जनता पार्टी भी आज पूर्ण क्या दोषी है जिन्होंने ये वायदा किया था कि कांग्रेस के द्वारा किए गए इस दोषपूर्ण कार्य को हम पूरा करके आपको नौकरियाँ देंगे। अगर राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी को पूरा आज लागू करते हैं तो टीचर की तो 40,000 के ऊपर आज की संख्या खाली पड़ी है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को समायोजित कर, क्यों इनको किसने मजबूर करी, आज बच्चे हो गए कहाँ जाएंगे? संजय शर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने जो अड़चने आ रही हैं, ये सब कांग्रेस के बोए हुए तो कांटे हैं जिसको चुगने का काम हम कर रहे हैं। अगर नियम कायदे कानून के आधार पर, किसी संवैधानिक आधार पर लोगों की भर्ती की होती तो ना इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी होती, ना इस तरह इन कर्मचारियों को इस तरह सड़क पर धक्के खाने पड़ते। कांग्रेस के नेताओं ने बैकडोर से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद करके पढ़े लिखे नौजवान, बेरोजगार नौजवान हैं, उनके हितों पर काराघात। लेकिन संजय शर्मा जी, अगर अब की बात की जाए, कुछ समय पहले जो प्रदर्शन किया जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, शिक्षा मंत्री ने समय भी मांगा था, 15 दिन का समय मांगा गया था, बावजूद इसके टीचर्स ने 1 महीने का वक्त दिया, उसके बाद भी सुध पूरी तरीके से नहीं ली गई है इनकी। मैंने ये कहा ना कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, केवल उसके कारण से कुछ मामले अटके हुए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो इनके साथ वायदा किया है उसको वैसे ही निभाएगी, इनको पेशेंस रखना चाहिए, इनको धैर्य रखना चाहिए और इनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। इनके केवल ढींगरा साहब क्या कहेंगे, वायदा पूरा करने की बात यहाँ पर फिर से कही जा रही है? पर ये झूठ बोलते हैं, अभी 3.5 साल हो गए, झूठ कौन बोलता है? अभी ढींगरा जी ये सब लोग, अब तक टाइम बच गया इनका, इसमें कौन से वायदे, टेक्निकल दिक्कत पूरी कर लेंगे? ये सिर्फ दोनों लोग INLT और BJP सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे भाई तुम्हें टाइम मिला है, बीजेपी वालों आपको 3.5 साल मिल चुके, 1.5 साल अभी आपका बाकी है, आपको ये काम करने के लिए लोगों ने मौका दिया, लेकिन आपने झूठे जुमले छोड़ के लोगों को बरगलाया, अभी तक आपने कोई रोजगार दिया नहीं है, और INLT वालों ने भविष्य खराब कर दिया 6600 टीचरों का, 3206 वो जो लगे हुए हैं। और परविंदर जी आप क्या कहेंगे? सियानी बिल्ली खंभा टोचे वाली कहानी है इनके साथ जी, क्योंकि अपने कसूर को छोड़ करके दूसरे कोई सत्यानाश तो कांग्रेस का किया गया, शिक्षा प्रति का, सारी शिक्षा व्यवस्था का। चलिए परविंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, केवल ढींगरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो गेस्ट टीचर्स जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, नियमित करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है, और हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि अब फिर से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो वायदा किया गया है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन गेस्ट टीचर्स की अगर बात सुनी जाए तो उनका कहना है कि सरकार वायदा खिलाफी कर रही है
और अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, इसे लेकर वो सामूहिक जो है मुंडन कराएंगी। चलिए यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए खबरें अभी तक।